नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। विगत दिनों प्रशासनिक अमले की लापरवाही के कारण बड़ा मलहरा अनुभाग के मदनीवार गांव से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज भागकर घुवारा तहसील के ग्राम बंधा चंदोली में शादी समारोह में शामिल होकर गांव में हड़कंप गया था। अपर कलेक्टर सहित एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शादी समारोह वाले घर में जाकर उस कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग जाँच कराते हुए हाईस्कूल बंधा में क्वारंटाइन करते हुए गांव संक्रमण से बचाने हेतु उक्त एरिया को कंटेनमेंट घोषित करते हुए पुलिस अमले को तैनात किया था, जिस पर शनिवार दोपहर 2 बजे जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, अपर कलेक्टर प्रियांशी भवर, एसडीएम एनआर गोड़, जनपद सीईओ अजय सिंह, एसडीओपी राजाराम साहू, तहसीलदार राकेश शुक्ला, भगवा टीआई आरपी चौधरी, महिला बाल विकास एकता गुप्ता सहित प्रशासनिक अमले ने आकर बंधा चंदोली एवं बुदोर कंटेनमेंट एरिया का जायजा लेते हुए क्वारंटाइन लोगों से पूछताछ कर अधिकारी कर्मचारी को दिशा निर्देश दिए। वहीं वर्तमान समय में चल रहे नामांतरण एवं बंटवारा अभियान को लेकर तहसील कार्यालय में सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक ली गई, जहां पर देखा कि जमीनी नामांतरण व आपसी बंटवारे को लेकर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी व RI पटवारी को फटकार लगाते हुए नामांतरण व बंटवारे के प्रकरण कम देखे गए, जिस पर जवाबदार अधिकारी कर्मचारी हिदायत देते हुए लापरवाही बरतने पर नोटिस जारी करने की बात कही गई। सर, जो आज भ्रमण के दौरान कैसा क्या कंटेनमेंट एरिया में देखेगा, क्या व्यवस्थाएं, कैसा क्या देखा है सर? द्वारा में आज दो चीज़ें देखने के लिए आए थे। एक तो नामांतरण बंटवारा का अभियान चल रहा है, तो मैंने नायतलदार कोर्ट में देखा है कि उनके काम है। 2 दिन अभी अभियान के और बचे हैं, सर 3 दिन, आज कल परसों। RI पटवारी तहसीलदार SDM सभी को बोला है कि घर घर जा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सर्वे करें, और किसी को भी अपनी ज़मीन में नामांतरण करवाना है या बंटवारा कराना है तो सर आवेदन लें और उनको दर्ज करें। दर्ज करके तो उसका निराशन क्योंकि अभी जो मैंने देखा है संख्या कम है, और निश्चित तौर पर इसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनको जारी करेंगे। दूसरा, जो आपने बात की कोरोना की, कोरोना के लिए भी क्या सावधानियाँ बरतना है, मैंने सभी अधिकारियों को SDOP, SDM, महिला बाल विकास, तहसीलदार, इनको बताया है कि इसको बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानियाँ और करनी है, गांव में और ज़्यादा जागरूक कराने की ज़रूरत है। मेरा आपके माध्यम से भी सभी से अनुरोध है कि अभी कोरोना हमारे ज़िले से प्रदेश से गया नहीं है, अभी और बढ़ने की संभावना है, तो सभी को बहुत ज़्यादा सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। और सभी लोग ये अपेक्षा ना करें कि उनके सामने पुलिस खड़ी रहेगी, आपकी खुद की भी जिम्मेदारी है कि आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करें, और जहाँ अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा करके निकलें, अगर कहीं बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करें। ओके सर।